This is Pat Sir here. Welcome you all to Study From Home. Let's start with our class 6 Social Science History portion with a next chapter, chapter number 10, New Empires and Kingdoms. So, अब तक हमने कुछ ऐसे किंग्स के बारे में बात की डेट के जो यूजुअली क्या करना चाहते थे, डेट के अपने किंगडम को बढ़ाना चाहते थे, एक्सटेंड करना चाहते थे, एज वेल एज उन्होंने एक्सटेंड भी किया है, और जिनकी वजह से आज हम उनको हिस्ट्री में बड़े बड़े रूलर्स के नाम से जानते हैं, राइट। सो हमने बात की थी अजातशत्रु, बिम्बिसरा, राइट। उसके बाद यानी लास्ट चैप्टर में हमने बात की अशोका, राइट, एक ऐसे रूलर जो बहुत ही काइंड हार्टेड थे, राइट। अब यहाँ पे हम बात करने के लिए जा रहे हैं न्यू एम्पायर्स, यानी एक तो हम जानेंगे दैट कि एक नई तरीके का किंगडम दैट वाज नोन और दैट इज नोन एज एम्पायर एज वेल एज किंगडम्स। यानी अब यहाँ पे हम जो किंगडम यानी किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे वो जो आगे हमने बात की उससे काफी अलग तरीके के क्या होंगे, किंगडम्स होंगे। सो क्या अलग चीज है, कौन सी डिफरेंट चीज है, लेट मी डिस्कस इन दिस चैप्टर। सो जनरली ये चैप्टर स्टार्ट होता है अरविन प्लेज अ किंग, यानी अरविन आप ही की तरह एक छोटा सा बच्चा है जिसको ये रोल मिला है डेट के उसे स्कूल में एक प्ले करना है, मीन्स एक परफॉर्म करना है जिसमें वो क्या बना हुआ है, किंग बना हुआ है। जस्ट इमेजिन योर सेल्फ एज बिंग दिस किंग डेट आपको ये बोला गया है डेट कि आप क्या बनने वाले हो, स्कूल में किंग बनने वाले हो एक प्ले में, राइट। तो आपका जो रवैया है, आपका जो यानी थिंक ऑफ यू है वो कैसा होगा, राइट। सो उसी चीज को यानी हम ध्यान में रखते, इमेज करते हुए या फिर इमेजिन करते हुए इस चीज को समझेंगे। अरविन हैड बीन चूजन टू एक्ट एज अ किंग इन द स्कूल प्ले। ही हैड एक्सपीरियंस टू मार्च सोलेमनली इन स्प्लेंडिड रॉब्स। यानी जस्ट इमेजिन कि आप अरविन की जगह आपका नाम है, आपको क्या किया है, किंग की तरह चूज किया गया है, यानी एक प्ले है उसमें आपको किंग बनना है। अब जब हमें बदला दिया गया है डेट के हमें क्या करना है, प्ले में किंग बनना है, तो फिर हमारी चाल कैसी हो गई, हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। यानी हम हर टाइम किसकी तरह चलेंगे, किंग की तरह चलेंगे। सो क्वाइट सेम वे ही हैड एक्सपेक्टेड टू मार्च सोलेमनली इन द स्प्लेंडिड रॉब्स। यानी जो अरविंद है वो खुद ये सोच रहा है कि मैं किंग हूँ, राइट। तो वो किंग की तरह क्या है, चल रहा है, यानी अपनी जो मुस्तैज है, हाँ हालांकि है नहीं, लेकिन जिस तरीके से किंग आते हैं यानी एक रुआबदार सोलेमनली मीन्स एक बहुत ही भारी भड़कम यानी चाल के साथ जब वो आते हैं अपनी मूंछों को क्या करते हुए, ताव देते हुए, और अपनी शॉर्ट्स को यानी क्या करते हुए, पकड़ते हुए, तो कुछ वही चीज को एक्सपेक्ट यानी इमेजिन करते हुए अरविंद चल रहा है टू ट्वर्ल टू ट्विल हिज मुस्टेसेस एंड विद सिल्वर पेपर रैप्स ऑन विद गस्टो। यानी जैसे कि एक गस्टो में रखी हुई जो स्वॉर्ड है उसको पकड़ के अपनी मूंछों को ताव देते हुए क्या कौन चल रहा है, अरविंद चल रहा है, राइट। सो यू कैन इमेजिन दैट। Imagine his surprise when he was told he would also have to see and play a veena, right? And recite poetry. यानी जब सोचो देन आपको ये बोल दिया गया था कि आप किंग हो तो आप ही अरविंद की तरह कैसे चलोगे, एक राजा की तरह यानी चलने लगोगे, राइट। लेकिन क्वाइट द सेम टाइम यानी उसी टाइम अगर आपको ये बोला जाए कि आपको क्या करना है, वीणा बजानी है। वीणा मींस एक बड़ा सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, शायद आपने देखा होगा नीचे उसका जो पूरा का पूरा यानी एक रख जो स्टैंड होता है या फिर उसका जो एक बेस होता है वो बेस कैसा होता है, मटके की तरह होता है, पॉट की तरह होता है, और वो पूरा बड़ा यानी होता है। अब जस्ट सपोज या जस्ट इमेजिन दैट कि किंग है, यानी आपने किंग के बारे में जब भी आप क्या करते हो, सोचते हो, तो आपके माइंड में क्या आता है, दैट कि एक ऐसा किंग जिसने यानी सोने से लटपट, सिल्वर से लटपट यानी पूरा क्या पहना हुआ है, कवच पहना हुआ है, यानी उन्होंने अपने यानी जो किंग के जो ड्रेस है वो पहना हुआ है, राइट। अब वो वीणा लेके बैठेंगे तो कैसा लगेगा, राइट। सो वही एक चीज यहाँ पे क्या हुई है, अरविंद इमेजिन कर रहा है राइट कि ऐसा कौन सा किंग होगा देन कि वो सिंहासन पे ना बैठे, यानी अपनी जो राजगद्दी पे ना बैठे हुए वो कहाँ पे बैठेगा, यानी हाथ में वीणा लेंगे और उसे पोएट्री गानी है, यानी उसे पोएम सिंग करनी है ना। सो म्यूजिशियन किंग, अब वो सोच रहे हैं कि वो किंग है वो कौन है, म्यूजिशियन है मीन्स के वो कुछ गाना बजाने वाला किंग होगा, राइट।
तो वो कौन होगा, यानी वो कौन होंगे, जो ऐसा कौन सा किंग होगा जो यानी किंग भी कहलाता है एज वेल एज म्यूजिशियन भी था, यानी वीणा भी बजाता है, पोएट्री भी गाता है। तो एक ऐसे ही किंग के बारे में यानी इस छोटी सी स्टोरी के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सो लेट मी डिस्कस राइट प्रशस्ति एंड व्हाट दे टेल्स अस। प्रशस्ति मींस जनरली ये एक रिटन लेटर होता है, या फिर कई मतलब राजा महाराजाओं की बात बारे में बात करें तो ये जो प्रशस्ति है वो पूरी पूरी बुक की तरह होती है राइट। कि जिसमें वो पर्टिकुलर जो राजा है या फिर किंग है, क्वीन है, कोई भी है, जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर भी क्यों ना हो, उनके लिए ये प्रशस्तिज लिखी जाती थी। अब ये प्रशस्तिज मीन्स कि इनमें सिर्फ और ज़्यादातर जिनके भी बारे में लिखी गई है उनके बारे में अच्छा अच्छा ही लिखा गया है राइट। सो अच्छे अच्छे सेंटेंसेस किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में लिखे गए हैं, देन वो चीज को क्या क्या कहा जाता है, प्रशस्तिज। नावडेज भी काफी सारी यानी जगहों पे दिए दिए जाते हैं, एंड वो जो लिया जाता है एज अ मोमेंटो के तौर पे भी दिया जाता है, यानी अगर वो एजुकेशन सेक्शन में या फिर खेल सेक्शन में या फिर किसी भी सेक्शन में बहुत ही अच्छा क्या करता है, परफॉर्म करता है, तो कई मरतबा उसे ये प्रशस्ति मीन्स एक पर्टिकुलर जो मोमेंटो की तरह होता है जिनमें उनके लिए एक प्रेजिंग वर्ड्स होते हैं वो लिखे जाते हैं उनके काम के लिए। एंड व्हाट दे टेल्स अस, तो व्हाट दे टेल्स अस नाउ आपको पता चल गया होगा कि प्रशस्ति है जिनमें अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है, देन वो जिसके भी बारे में लिखी गई होगी उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें ही लिखी गई होगी। So, Arvind was supposed to be acting as a Samudragupta. So, ये जो king की यहाँ पे हमने बात की है कि ऐसा king है कि जो king तो है लेकिन साथ साथ में वीणा भी बजाएगा, poetry भी उसको क्या करनी है, sing करनी है, तो वो कौन सा राजा है, किसकी acting करनी है, Samudragupta की acting करनी है। A famous ruler of dynasty known as Gupta, right? So, पिछले चैप्टर में हमने बात की थी चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बेटे बिंबिसारा, सॉरी बिंदुसारा, और फिर उसके बेटे की बात की थी अशोका, राइट। सो अब यहाँ पे और वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अब ये जो समुद्रगुप्त है वो भी कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और लास्ट चैप्टर में ही मैंने आपको बताया था कि ऐसे रूलर के बारे में हम बात करेंगे जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी थे और वो भी बहुत ही फेमस हुए थे, एंड ही वॉज द अंकल ऑफ अशोका। देन वो जो किंग की मैंने बात की थी वो किंग ये है। नाउ वी नो अबाउट समुद्रगुप्त फ्रॉम अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड ऑन अशोकन पिलर एट अलाहाबाद, यानी जो काफ़ी सारी चीज़ें हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चलती है तो वो कहाँ से पता चलती है, इंस्क्रिप्शंस, बड़े बड़े इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, जबकि समुद्रगुप्त कैसे थे, कैसे रूल करते थे, राइट। सो वो इंस्क्राइब किए गए थे, और वो जो इंस्क्राइब किए गए थे वो कैसे, जैसे अशोकन ने यानी जो चीज़ें इंस्क्राइब की थी राइट, तो ऐसे ही जो अशोकन के जो पिलर्स हैं जो कहाँ पे मौजूद है, अल्लाहाबाद, राइट। देन वहां पे ऐसे इंस्क्रिप्शंस के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। नाउ इट वाज कंपोज्ड एज अ काव्य बाय हरिसेन, राइट। अब वो जो सारी की सारी चीज कंपोज की गई है, कंपोज इन द सेंस बोली गई है, बतलाई गई है, यानी इंस्क्रिप्शंस पे जो चीज लिखी गई है वो बहुत बड़ी बड़ी लिखी गई है, राइट। मींस ऐसा कह सकते हैं देखिए 5-7 or 6-7-8 पेजेस अगर इंस्क्राइब किए गए हैं तो वो जो पर्टिकुलर वन पेज है वो सिर्फ दो ही लाइन में क्या किए गए हैं, एज अ पोएम कंपोज किए गए हैं, किसने किए हैं, हरिसेना, हु वाज अ पोएट एंड अ मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त। यू आल्सो हैव टू अंडरलाइन दिस दैट हु वाज द पोएट एट द कोर्ट आल्सो अ मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त एंड हरिसेना, राइट। सो समुद्रगुप्त के टाइम में उनका यानी जो कोर्ट मिनिस्टर है हरिसेना वो क्या थे, पोएट थे जिन्होंने लिटरली समुद्रगुप्त के बारे में प्रशस्ति लिखी है, राइट। सो यहाँ पे काव्य के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं देते चलूँ, देखिए काव्य क्या है, राइट। यूजुअली आप उसे पोएम के नाम से जानते हो, राइट। अब ये पोएम होती क्यों है, देखिए काफ़ी ऐसे जो यानी
डिटेल चीज अगर किसी के बारे में हमें बतलानी है राइट, लेकिन हम उनके उनके लिए डिटेल्स लिख सकते नहीं है, तो काफी बड़ी चीज को एक शॉर्ट फंक्शन में या फिर एक शॉर्ट वर्ड्स में अगर क्या करना है, बतलाना है, तो उसे क्या किया जाता है, काव्य यानी पोएम में कंपोज किया जाता है, फिर पोएम रिसाइट करके बतलाया जाता है। सो अगर दो लाइन अगर किसी के बारे में लिखी गई है तो वो दो लाइन बहुत ही क्या रखती है, गहरा मीनिंग रखती है, या फिर वो दो लाइन के पीछे या फिर वो दो लाइन के ऊपर से पूरी पूरी बुक किसी पर्सन के लिए क्या हो सकती है, लिखी जा सकती है। अंडरस्टैंड नाउ दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ अ स्पेशल काइंड नोन एज प्रशस्ति। तो हरिसेना ने जो लिखा गया है किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, तो वो एक नए नाम से जानी जाती है, उसे क्या कहा गया है, प्रशस्ति कहा गया है। अ संस्कृत वर्ड मीनिंग इन प्रेज ऑफ, जैसा कि मैंने बताया कि प्रशस्ति क्या है, जबकि प्रशस्ति में वो सारी ही बातें होगी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो किसी के भी लिए लिखी गई है उसी के बारे में अच्छा ही लिखा गया है, बुरा कुछ भी लिखा गया नहीं है। सो उसे क्या कहते हैं, प्रशस्ति मींस इंप्रेस ऑफ। नाउ यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, हाइंस राइट, प्रेसिंग वर्ड्स राइट, और यहाँ पे प्रशस्ति मीन्स इन प्रेज ऑफ, जिसके लिए लिखी गई है उसके लिए अच्छी बातें लिखी गई, दैट इज प्रशस्ति, लेकिन जिसके लिए अच्छा बोला जाता है खुश करने के लिए, दैट इज हाइंस। नाउ व्हाइल प्रशस्तिज वर कंपोज्ड फॉर सम ऑफ द रूलर्स यू रीड अबाउट इन चैप्टर नंबर 9। सो चैप्टर नंबर 9 जिसके बारे में हम डिस्कस किया नहीं है, लेकिन वहां पे भी काफी सारे ऐसे रूलर्स हैं जिनके बारे में प्रशस्ति लिखी गई है, जैसे कि हर्षवर्धन, हरिश्चंद्र है, हर्षवर्धन है राइट, उनके बारे में, उनके जो यानी पोएट्स हैं उन्होंने उनके लिए क्या लिखी गई है, प्रशस्ति लिखी गई है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट राइट। सच एज गौतमी पुत्र सिंह सतकर्णी, यानी कि ऐसे रूलर है, रूलर थे राइट, कि जो अपनी यानी मम्मी के नाम से जाने जाते थे, गौतमी बालाश्री, दैट वी हैव टॉक अर्लियर इन द बिफोर इन द प्रीवियस चैप्टर्स, गौतमी बाला और गौतमी पुत्र सिंह सतकर्णी, दे बिकम फार मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ गुप्ता, यानी वो गुप्ता के टाइम के रूलर थे, लेकिन जितने गुप्ता फेमस नहीं हुए थे उनसे भी ज्यादा कौन फेमस हुए थे, गौतम पुत्र से बाहर करने फेमस हुए थे। सो व्हाट इज समुद्रगुप्ता's प्रशस्ति, लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्ता's प्रशस्ति इज टेल्स अस, द पोएट प्रेज द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स, यानी जो पोएट है हरिसेना उन्होंने राजा को एक ग्लोइंग टर्म्स मींस सुनहरे अक्षरों में उन्हें क्या किया गया है, जैसे बतलाया है, एज अ वॉरियर एज अ किंग हु वन विक्ट्रीज इन बैटल, यानी एक वॉरियर की तरह एक किंग ने जिन्होंने यानी बैटल फील्ड में काफी ज्यादा विक्ट्रीज को क्या किया गया है, जीता है, यानी काफी काफी सारे रूलर्स को हराया है, हु वॉज लर्न एंड बीस्ट ऑफ पोएट्स, यानी वो एक खतरनाक राजा तो है कि जिन्होंने काफी सारी लड़ाइयों को क्या किया है, जीता है, लेकिन साथ साथ में वो एक बहुत ही उम्दा क्या है, पोएम भी है, यानी उन्होंने पोएम भी क्या की है, सीखी हुई है। यस, टू रिसाइट पोएट एज वेल एज टू राइट पोएट इट इज नॉट दैट ईजी, यानी वो हर एक इंसान की बात नहीं है राइट, इट इज लिटरली नीड सम माइंडफुल नॉलेज राइट टू मेक सच पोएम्स राइट, इट इज नॉट दैट मच ईजी। नाउ ही इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू द गॉड्स, उसके टाइम में यानी समुद्रगुप्ता उनके टाइम में उनको क्या कहा गया है, गॉड्स के साथ उनकी क्या की गई है, कंपैरिजन की गई है। सो ये वर्ड्स को आप देख के ही यानी समझ सकते हो दैट कि जो हरिसेना है वो हरिसेना ने समुद्रगुप्ता के बारे में कितने उम्दा अल्फाज क्या किए गए हैं, मेंशन किए गए, उनके लिए यूज किए हैं। द प्रशस्तिज वॉज कम्पोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस, और उनके लिए जो चीज लिखी गई है वो बहुत बड़े बड़े सेंटेंस, यानी यहाँ पे हम दो चीज ले सकते हैं, बहुत बड़े बड़े सेंटेंस, जैसे कि एक जो लाइन लिखी गई है उसके मीनिंग काफी लॉन्ग भी निकल सकते हैं यहाँ पे, एज वेल एज
ये भी हो सकता है कि उनके लिए काफी यानी लंबा चौड़ा उनके लिए लिखा गया है. Here is a part of one such sentence. तो हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए काफी लंबा चौड़ा लिखा गया है. So उनमें से एक sentence यहाँ पे बनता है. So उसको discuss करके हम आज की लर्निंग को फिनिश करेंगे, right? Now, समुद्रगुप्ता द वॉरियर, राइट. अब वो जो प्रशस्ति में बदलाया गया है तो वो एक वॉरियर की तरह समुद्रगुप्ता कैसे थे वो यहाँ पर मेंशन है, राइट. ध्यान से देखना, समुद्रगुप्ता द वॉरियर हुज बॉडी वाज मोस्ट चार्मिंग बीइंग कवर्ड विद द क्लैंटियस ब्यूटी ऑफ मार्क्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्कार्स कॉज्ड बाय बैटल एक्सेस, राइट. यानी ये जो समुद्रगुप्त एक वॉरियर की तरह जब कहां पे उतरता है, युद्ध के मैदान में उतरता है, तब न जाने कितने यानी उसका जो एक बॉडी है, पर्सनालिटी है, वो किसी एक हीरोइक बॉडी है, राइट. यानी जिसमें मसल्स है, एब्स है, राइट. यानी बाइसेप ट्राइसेप सब चीज बहुत ही अच्छी तरीके से एक राजा की होती है उसी तरीके से है. अब उनकी ये बॉडी में कुछ और चीजें भी क्या बढ़ाती है, शोभा बढ़ाती है. यानी उनको जो जब वो युद्ध के मैदान में यानी लगे हुए थे, लड़ते थे, तब प्लेंटियस ब्यूटी ऑफ द मार्क्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्कार्स कॉज्ड बाय बैटल एक्सेस, यानी बैटल ग्राउंड पे जो उन्होंने क्या उनको क्या लगी हुई है, एक्सेस जो दुश्मनों ने मारी हुई है, जो उनकी बॉडी के ऊपर क्या की गई है, लगी है. यानी जो लग के खून निकलने के बाद फिर से उसके जो स्कार्स होते हैं, उसके जो मार्क्स है, वो उनकी बॉडी के ऊपर क्या कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं. वो उनकी बॉडी को और क्या कर रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं. अंडरस्टैंड मींस एक तरीके से कहें तो उनकी जो एक ताकत थी यानी उनकी एक जो ब्रेवरी थी वो इस चीज में क्या कर रही है, यानी बताई जा रही है. एरोस जैसे कि युद्ध के मैदान में वो एरो को क्या करते हैं, मारने के लिए यूज होते हैं. स्पाइक्स ये बड़े बड़े यानी जो नुकीले नुकीले हथियार होते हैं जिससे मारा जाता है, स्पाइक्स. स्पीयर्स यानी जो हाथ में ऐसे भले होते हैं जो छोड़ के बाग डार्ट्स मीन्स वो हाथ में यानी क्या किया जाता है, लिटरली पहना जाता है और मारा जाता है. स्वॉर्ड्स तलवार, एज वेल एज आयरन क्लब्स. आयरन क्लब्स मीन्स कुछ आयरन से बनी हुई चीजें होती है जो यूजुअली रॉड की तरह मारने के लिए यूज होते हैं. ज्वेलाइंस बड़े बड़े जो भाले होते हैं वो ज्वेलाइंस. एंड बाग एरोज जो लंबे होते हैं और थोड़े बहुत क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, राइट. और उनको एरो की तरह नहीं होते लेकिन सीधे होते हैं, राइट. लाइक बाग एरोज, लॉन्ग एरोज एंड मेनी अदर वेपन्स. यानी ज्यादातर युद्ध के मैदान में जितने भी यानी क्या यूज होते हैं, वेपन्स यूज होते हैं, वो सारे वेपन्स के कहीं ना कहीं किसी ना किसी यानी बॉडी के शेप के ऊपर या फिर बॉडी के प्लेस के ऊपर उन्होंने क्या किए हैं, इसके जख्म खाए हुए हैं. और वो जख्म के जो मार्क्स है वो मार्क्स उनकी बॉडी को क्या कर रहे हैं, और भी अच्छा बता रहे हैं. मीन्स कि इतने ज्यादा जो अटैक्स है उन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर क्या किए हैं, सहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया है, हार मानी नहीं है. सो ये एक तरीके से वो टाइम को क्या कर रहे हैं, बतला रहे हैं. लेकिन सोचो कि एक राजा के जो युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ है, जिसके ऊपर न जाने कितने हथियारों से क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है, लेकिन वो कितना स्ट्रांग होगा, लेकिन इतने अटैक को क्या करके, सहन करके, बियर करके भी वो अपने दुश्मनों के सामने क्या कर रहा है, लड़ रहा है, उसमें कैसी ऐसी नेवर गिव अप वाली क्या होगी, एक एबिलिटी होगी, एक विल पावर होगा, देखिए वो दुश्मनों से हार मान रहा नहीं है. ऑल दो उसने इतने सारी चीजों को अपनी बॉडी के ऊपर क्या कहे हैं, सहे. सो इस तरीके से काफी सारे ग्लोइंग टर्म्स वर्ड्स में हरिसेना ने समुद्रगुप्ता के बारे में क्या लिखा है, प्रशस्ति लिखी हुई है. व्हाट डज दिस डिस्क्रिप्शन टेल यू अबाउट द किंग एंड आल्सो अबाउट हाउ किंग्स फाउट वॉर्स. जैसा कि मैंने कहा कि इतने सारे बैटल जो वेपन्स हैं उन्होंने अपनी एज अ किंग ने अपनी यानी बॉडी के ऊपर सहे हैं, तो किंग एक ऐसा रूलर होगा कि जो लीड फ्रॉम द फ्रंट यानी वो हमेशा अपने सोल्जर्स से आगे रहा होगा. इसी वजह से उन्होंने
काफी सारे ऐसे बैटल एक्सेस है, स्वॉर्ड्स है, ज्वेलाइंस है, वो उन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर सहे हैं और फिर एज अ रोल मॉडल बन के अपने सोल्जर्स को भी क्या किया होगा, लीड किया होगा। सो इस प्रशस्ति से इस प्रशस्ति को देख के हमें यही चीज मालूम होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे राइट। फ्रॉम दिस पैराग्राफ वी विल स्टार्ट इन द न्यू वीडियो। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस।